क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास कैसे वो खास एबिलिटी होती है जिससे वो कुछ सेकंड्स में ही हर किसी को अट्रैक्ट और मोहित कर लेते हैं? ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जिसे वो हर सिचुएशन में लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वेल, एक गुड न्यूज है, आप भी ये कर सकते हैं। बस आपको 90 सेकंड रूल फॉलो करना होगा और आप किसी को भी 90 सेकंड्स में इम्प्रेस कर पाएंगे। इम्पॉसिबल लगता है ना? चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये 90 सेकंड रूल एग्जैक्टली है क्या? ये एक कंसेप्ट है जो ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर निकोलस बुथमैन ने पॉपुलर किया है। आइडिया बहुत सिंपल है। हर इंटरेक्शन के फर्स्ट 90 सेकंड्स इंटरेक्शन का आउटकम डिसाइड करने के लिए काफ़ी क्रूशल होते हैं। दूसरे शब्दों में, पहले 90 सेकंड्स में आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी सक्सेस को या तो बना सकता है या बिगड़ सकता है। लेकिन फर्स्ट 90 सेकंड्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? वेल, स्टडीज़ ने यह दिखाया है कि लोग पहली मीटिंग में कुछ सेकंड्स के अंदर ही दूसरों के अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पर जजमेंट ले लेते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ तो ये भी सजेस्ट करती है कि सेकंड का 1/10 भी काफ़ी होता है एक पर्सन को अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। ये कुछ टिप्स हैं जिसे आप किसी को भी 90 सेकंड्स में इम्प्रेस कर पाएंगे। टिप नंबर 1, स्माइल। ये ऑब्वियस तो दिखता है, पर बहुत लोग किसी नए से मिलते टाइम स्माइल करना भूल जाते हैं। एक स्माइल आपको इंस्टेंटली अप्रोचेबल और फ्रेंडली दिखाने लगती है, और साथ ही ये कंटीजियस भी है। जब आप किसी को स्माइल देते हैं, वो ज़्यादातर स्माइल बैक करते हैं, जो दोनों को ऑकवर्डनेस हटाने में मदद करती है। टिप नंबर 2, मेक आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट किसी से जुड़ने का एक पावरफुल तरीका है। ये दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट और उनकी बातों में एंगेज्ड और इंटरेस्टेड है। लेकिन ध्यान रखें कि आप इसे ज़्यादा ना करें, घूरना लोगों को अनकंफर्टेबल बना सकता है। इसीलिए कुछ सेकंड्स बाद आई कॉन्टैक्ट ब्रेक करते रहे। टिप नंबर 3, यूज़ देयर नेम। अपना नाम सुनने में कुछ जादू होता है। जब आप किसी नए से मिलते हैं, उनके नाम को याद रखें और बात करते टाइम उनके नाम को यूज़ करने का ट्राई करें। इससे दिखता है कि आप उनको अटेंशन दे रहे हैं और उनकी एज एन इंडिविजुअल वैल्यू करते हैं। टिप नंबर 4, लिसन एक्टिवली। किसी नए से मिलते समय एक बड़ा गलती लोग करते हैं कि वो ज़्यादा अपने पर ध्यान देते हैं। इसके बजाय दूसरे को एक्टिवली सुनने की कोशिश करें, क्वेश्चंस पूछें, उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखाएं और साथ ही आप दोनों के बीच एक कॉमन ग्राउंड ढूंढें। टिप नंबर 5, कंप्लीमेंट देम। हर कोई अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, तो अगर आपको किसी में जेन्युइनली कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो आपको अच्छी लग रही है, तो उनको कंप्लीमेंट दे। ये कोई सिंपल सी बात हो सकती है, जैसे उनका आउटफिट या हेयर स्टाइल को कंप्लीमेंट देना। बात यह है कि आप जेन्युइन और स्पेसिफिक रहे। टिप नंबर 6, यूज़ ह्यूमर स्ट्रेटजिकली। ह्यूमर किसी भी कन्वर्सेशन में पॉजिटिविटी और अच्छी वाइब्स लाने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल होता है। लेकिन ध्यान देना ज़रूरी है कि आप इसे स्ट्रेटजिकली और एप्रोप्रिएटली यूज़ करें। जेनेरिक जोक्स के बजाय लाइट हार्टेड और क्लेवर तरीके से ह्यूमर का कन्वर्सेशन में डालने की कोशिश करें। दूसरे के रिएक्शंस पर ध्यान दें और अपनी अप्रोच को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। वेल टाइम्ड और वीटी रिमार्क एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ सकता है और आपको ज़्यादा लाइकेबल बना सकता है। टिप नंबर 7, रेडिएट पॉजिटिविटी। पॉजिटिव एनर्जी बहुत इन्फेक्शियस होती है। ऐसे बने जो ऑप्टिमिज्म, लाफ्टर और गुड वाइब्स के साथ लोगों के बीच जाते हों। एक चीयरफुल और एंथुसियास्टिक एटीट्यूड को अपनाएं। आपकी इन्फेक्शियस एनर्जी लोगों को खुद आपके पास मैग्नेट की तरह खींचेगी। ये 7 टिप्स को अपने नेक्स्ट एनकाउंटर में इनकॉर्पोरेट करके आप बिना डाउट के 90 सेकंड्स के अंदर ही जिससे आप मिलेंगे उस पर अच्छा इम्प्रेशन छोड़ पाएंगे। तो इनको दिमाग में नोट कर ले, सिंसेरिटी के साथ प्रैक्टिस में लाए और ट्रस्ट मी, आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।